केंद्र शासनानं पावसाळी अधिवेशनात पारित केलेला कृषी विषयक कायदा शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असल्याने तो कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी मूल तालुका काँग्रेसच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष संतोष सिंह रावत, तालुकाध्यक्ष घनश्याम येनूरकर आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे अध्यक्ष संजय मारकवार यांचे नेतृत्वात धरणे आंदोलन करून उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फतीनं राष्ट्रपती यांना निवेदन पाठवण्यात आलं. केंद्र शासनानं पारित केलेला कृषी विषयक कायदा शेतकरी विरोधी असून त्यांना गुलामगिरीकडे नेणारा आहे. त्यामुळे मागील 3 महिन्यांपासून देशातील काही राज्यातील शेतकरी दिल्ली येथे आंदोलन करीत आहेत. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना न्याय न देता केंद्र सरकार बळाचा वापर करून त्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रकार करीत आहेत. केंद्र शासनाची ही कृती अशोभनीय असल्याने या कृतीचा काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी निषेध नोंदवला. पारित केलेला शेतकरी विरोधी कायदा मागे घ्यावा, अन्यथा महाराष्ट्रातील शेतकरी सुद्धा इतर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होतील असा इशारा दिला आहे. दिल्ली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, दिल्ली में किसान ही किसान नजर आ रहे हैं. आज देश खतरे की तरफ बढ़ता जा रहा है. मोदी सरकार ने GST की मार पड़ी, उसके बाद नोटबंदी की मार पड़ी, उसके बाद महिलाओं पे अत्याचार हुआ. यह सब हमने सहन किया, पूरे देश ने सहन किया, लेकिन आज देश का अन्नदाता इस समय भूखा मर रहा है. और जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, आज वो किसान भूखा मर रहा है. पंजाब के किसान भाइयों ने, दिल्ली के किसान भाइयों ने, हरियाणा के किसान भाइयों ने, हिमाचल के किसान भाइयों ने आज पूरी दिल्ली घेर रखी है. आज उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी चर्चा है. अगर ये चर्चा वहाँ पे विफल होती है तो किसानों की तैयारी संसद को घेरने की है. आज इस परिस्थिति में किसान भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है, जो 3 कृषि बिल रखा गया है और जो 3 कृषि बिल देश का एक काला कानून है. आज 300 संगठन की जो किसान संगठन है उसने भी पूरी तैयारी से लड़ रही है. 6-6 महीने का राशन लेके वो दिल्ली में बैठ चुके हैं. उसके बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ ट्रक वाले उनके सदस्य हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 8 दिसंबर से किसान नहीं तो हम नहीं.